कंपनसेशन तो नहीं हुआ, जो जवान मरा है उसकी बीवी बेवा हुई है, उसके बच्चे यतीम हुए हैं, उसकी बीवी बेरहरा भी अख्तियार कर सकती है, उसके बच्चे बिगड़ सकते हैं, वो बुरे सिटीजन बन सकते हैं, वो मुजरिम बन सकते हैं उनकी सही परवरिश और तरबियत ना होने की वजह से, तो उसके उस शख्स के बदले, उस जवान शख्स के बदले बूढ़े को कत्ल करना, उसका कंपनसेशन तो नहीं हुआ। और वैसे भी दुनिया का जो कानून है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक खून का बदला भी एक ही खून करके दे सकता है, और सैकड़ों हज़ारों और लाखों कत्ल का बदला भी एक ही खून दे सकता है। तो ये उसका कंपनसेशन तो नहीं हुआ। अगर हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को इंसिनरेट कर दिया, 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया, तो उसकी दुनिया का कानून उसे क्या सज़ा दे सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत, ये उस बराबर सज़ा तो नहीं हुई। बल्कि हकीकी सज़ा आखिरत में ही दी जा सकती है, और वो अल्लाह ताला ही दे सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56 में कि जब इनकार करने वालों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उनकी खालें गल जाएंगी, तो हम उनकी खालें नई खालें तब्दील कर देंगे ताकि वो जलने का मज़ा चखते रहें। तो अल्लाह ताला 60 लाख बार मार सकता है, तड़पा तड़पा के मार सकता है। दुनिया का कानून हरगिज़ इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि वो सही सज़ा दे सके। तो खौफ खुदा जब फैक्टर होगा, जब सैंक्शन होगा, तभी इंसान अखलाक की पाबंदी कर सकता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में वॉल्यूम 12 पेज नंबर 38 पर लिखा हुआ है कि अगरचे इस्लामी ममालिक में खुदकुशी की आदात का पता लगाना बहुत मुश्किल है, फिर भी जिन रिसर्चर्स ने इस मौजू पर तफसील और तहकीक के साथ लिखा है, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्लामी ममालिक में खुदकुशी का वक़ू नहीं के बराबर है, और ये सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह और आखरत पर ईमान रखने का नतीजा है। और आगे लिखा है कि इस्लाम का मुसलमानों के जहन पर ऐसा असर होता है कि वो हद दर्जे के साबिर और शाकिर हो जाते हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में दूसरी कौमों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत साबित होते हैं। ये लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में। तो असल में खौफ खुदा और रज़ाए इलाही वो फैक्टर्स हैं जो अखलाक की पाबंदी पर आमादा करते हैं इंसान को, और ये इस्लाम के अखलाकी निज़ाम की सबसे बड़ी ख़ूबी है। इस्लाम अखलाक को ईमान से जोड़ता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मस्कूर है सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताबु सुन्ना बाब नंबर 402 हदीस नंबर 1275, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुलुका, तुम में से कामिल तरीन ईमान उनका है जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। सुभान अल्लाह।
अखलाक के बारे में इस्लाम यहाँ तक कहता है गीबत को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर करार देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह अल हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में, वला यक्तबादुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करें। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, क्या तुमको ये अच्छा लगेगा कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। फकरीतुमूह, तुम्हें इससे घिन आएगी। गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है। यह है इस्लाम का अखलाकी निज़ाम जो औरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है।